आप सबको डॉक्टर रजनी रमण झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने कल से दश कुमार चरित का प्रारंभ किया है और यह इसकी एक भूमिका जो थी वो कल हमने पढ़ ली थी। जैसा कि आपको बताया गया है कि इसमें हमारे जो पाठ्यक्रम में है अष्टम उच्छ्वास है इसका, तो आज हम उस अष्टम उच्छ्वास को प्रारंभ करते हैं। अष्टम उच्छ्वास में विश्रुत नाम के कुमार की कथा है, वही नायक है इसका। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि दश कुमार एक स्थान पर एकत्र होते हैं और वे अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और फिर वापस लौट के अपनी कथा बताते हैं। तो यही कथा विश्रुत भी कह रहा है। तो विश्रुत कहता है कि अथ सो अप्या चचक्षे, उसने कहा कि उस विश्रुत ने कहा, मैं भी कहा, देव जिसको कह रहा होगा, राजा को कह रहा होगा, देव मयापि परिभ्रमता, मैं भी घूम रहा था, तो विंध्याटव्या कोपि कुमारः क्षुधा तृषा च क्लेश्यन् न क्लेशारः क्वचित कूपाभ्यासे अष्टवर्ष देशीयो दृष्टः। कि मैं एक बार घूम रहा था तो मैंने विंध्याटवी मतलब विंध्याचल विंध्य के जंगलों में कोपि कुमारः, कोई किसी कुमार को, बच्चे को देखा जो क्षुधा तृषा च, जो क्षुधा से भूख से और तृषा च और प्यास से च क्लिश्यन कष्ट पा रहा था, लेकिन अक्लेशा रहा, वह कष्ट पाने के योग्य नहीं था लेकिन फिर भी कष्ट पा रहा था, तो ऐसा मुझे वह दिखाई दिया। कोई और कहाँ पर था वो, तो कश्चित क्वचित कूपाभ्यासे अष्टवर्षीयो दृष्ट, वह किसी कुएं के पास था और वह 8 वर्ष का बालक था। सच त्रास गदगदम अगदत, वह त्रास से प्यास से गदगद था मतलब व्याकुल हो रहा था, और अगदत वह बोला, फिर क्या बोला वह, तो उसने कहा कि अगदत कि महाभाग क्लिष्टस्य मे क्रियताम आर्य सहायकम, कि हे महाभाग मैं बड़ा कष्ट में हूँ और आप मेरी सहायता करें। अस्य मे प्राणापहारिणीं पिपासां प्रतिकर्तुम उदकम मुदंचन निःकूपे कोऽपि निष्कलो ममैक शरण भूतः पतितः। मेरी जो यह प्राणहारिणी पिपासा है मतलब जो असहनीय प्यास है मेरी, उसको प्रतिकर्तुम उसको बुझाने के लिए कर्तुम उदकन मुदंचन पानी को निकालने के लिए इह कूपे इस कुएं में कोपी निष्कलो मतलब बूढ़ा कोई स्थवीर व्यक्ति बूढ़ा ममेक शरण भूतः जो कि मेरे उसमें था जो मेरे लिए जो शरण था मेरा आश्रय था परिचारक था वो मेरा, तो ममेक शरण भूतः जो मेरा वह परिचारक था सहायक अभ्यास पासा उत्कर निष्कलस्त विद्य निष्कल प्रत्या राजस्वष्टानि वंश दंडे सरक्षेपो, तो वो जो ममेक शरण भूतः मेरे लिए जो एकमात्र शरण था यानी मैं जिसका जो मेरा परिचारक था वह पतितः उस कुएं में गिर गया। क्या कह रहे हैं कि इसको समझिए कि जो मेरा वह परिचारक था जो मेरे साथ वो वृद्ध परिचारक वह मेरे लिए पानी निकाल रहा था और वह पानी निकालते हुए उसमें गिर गया, किसमें उस कुएं में गिर गया। अथाह मभ्येत तमलस्मस्मि नाहम उद्धर्तुम इति, तो मैं उसको निकालने में समर्थ नहीं हूँ, नाहम उद्धर्तुम इति। अथाह मभ्येत व्रतत्या कयापि वृद्धम उत्तार्य तम च बालम वंश नाली मुखोद्धृताभिरद्भि फलेश्च पंचशे। फिर मैंने कहा अथाह मभ्येत व्रतत्या, जब मैं ऐसा उसने कहा तो मैं उसके पास गया और मैंने व्रतत्या, व्रतति कहते हैं लता को, लता के द्वारा मैंने उस कोई एक मजबूत लता को उसमें कुएं में गिराया और उस लता के द्वारा उस
वृद्ध को निकाला, लता के द्वारा उस वृद्ध को निकाला। अथाह तालम तमालमस्मी नाम, हाँ, तो मैंने उसको निकाला और वृद्धम उत्तार्य, वो देखा तो वो कोई वृद्ध था। अतम च बालम, और उस बालक के लिए वंश नाली मुखोद्रता भी रद भी है, जो बांस बांस की जो पाइप जो नाली है उससे मैंने खींचकर पानी निकाला, और जो एक बाण के फेंकने की ऊंचाई वाला पेड़ था उससे उस पे पत्थर मार के मैंने पंचशय है मत पांच छह फल तोड़े। सर वो फल जो था वह लकुच लकुच वृक्ष का फल था, होगा कोई एक फल जिसका लकुच नाम है। शिखरात पाषाण पातिते है, उस पत्थर को मारकर उसके पेड़ से मैंने वो लकुच के फल जो थे वो नीचे गिराए। और प्रत्यानीत प्राण वृत्ति मापाद्य, और उसको मैं लेकर आया कहाँ, इनके पास जो बूढ़े और वो बालक था उनको, तरुतल निषण्णस्तम जरंतम अब्रवम, और उनको प्राण वृत्ति मापाद्य, उनके प्राण जो है इससे कुछ लौटे, उनके ठीक हुए, क्योंकि वे भूख प्यास से मरणासन्न जैसे हो रहे थे, तो अब उसके प्राण कुछ ठीक हुए। तरुतल निषण्णस्तम जरंतम अब्रवम, तब फिर वो जो पेड़ के निकट बैठ गया, उस तरुतल निषण्णस्तम उसको जरंतम उस बूढ़े को मैंने अब्रवम कहा। तात का एष बालः, यह बालक कौन है, को भवान, आप कौन हैं, कयम कथम चेयम आपदापन्ना, आप लोग इस कष्ट में कैसे पड़े। इति सो अश्रु गदगदम गदत, तो वह आंसुओं से भरे कंठ से बोला, गदगद होकर बोला, गदगद कहते हैं जब कंठ भर जाता है। श्रूयताम महाभाग, हे आदरणीय सुनिए, श्रूयताम महाभाग, हे आदरणीय सुनिए, क्या, तो विदर्भो नाम जनपद है, एक जनपद है जिसका नाम है विदर्भ, विदर्भो नाम जनपद है। तस्मिन भोजवंश भूषणम, उसमें भोजवंश के भूषण के रूप में, आभूषण के रूप में भोजवंश भूषणम, अंशावतार इव धर्मस्य, धर्म का मानो जो अंशावतार है, जो एक तरह से वो है, जो अवतार होता है ना, अवतार तो पूरा होता है, अंशावतार में थोड़े अंश से उत्पन्न, धर्म के अंशावतार के रूप में, अति सत्व अत्यंत बलवान, सत्यवादी, वदान्य उदार, विनीत विनम्र, विनेता प्रजाना, प्रजाओं का जो विनेता है, विनेता का अर्थ है जो प्रजाओं को प्रशिक्षित करता है, शिक्षित करता है, विनेता प्रजाना, रंजित भृत्य, नौकरों को प्रसन्न रखने वाला, कीर्तिमान, यशस्वी था वो, उदग्रो बुद्धिमूर्तिभ्यां, ऊंचा लंबा, उदग्र, उदग्र कहते हैं जो एकदम ऊंचा और सीधा हो, उसको उदग्र कहते हैं, एकदम बिल्कुल तना हुआ, लंबा सीधा, और बुद्धिमूर्ति भी हम, और बुद्धि मतलब उसमें बुद्धि भी बहुत थी, बुद्धिमान था वो, बुद्धिमूर्ति भी हम, बुद्धि और मूर्ति यानी अपने आकार प्रकार से और बुद्धि से जो उदग्र था, मतलब जो बड़ा स्पष्ट था लोगों के सामने कि ये देखो ये है वो राजा। उत्थानशील, और जो उन्नति चाहता था, यानी कि मुझे और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है, और आगे जाना है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं उत्थानशील। शास्त्र प्रमाण, और शास्त्र को प्रमाण मानने वाला, और यहाँ पर ये भी अर्थ दे सकते हैं श्रद्धा की रक्षा करने वाला, शास्त्र में जिसकी श्रद्धा हो उसको मानने वाला। अशक्य भव्य कल्पारंभी, शक्य भव्य कल्पारंभी का बड़ा सुंदर शब्द है ये, शक्य जो काम किया जा सकता है, और भव्य जिसका फल अच्छा होगा, ऐसे कल्प को, ऐसे काम को वह आरंभ करता था जो किया जा सकता है और जिसका अंतिम फल जो है वह बहुत सुंदर है। संभावयिता बुधान, वो बुधों को यानी कि युद्धमान व्यक्तियों को, संभाविता बुधान बुद्धिमान व्यक्तियों को का आदर करता था। प्रभावयिता सेवकान, और सेवकों को वह आगे बढ़ाने में मदद करता था, अपने आश्रितों को आगे बढ़ाने वाला था।
उद्भाविता बंधुन, अपने बंधुओं को गौरव प्रदान करने वाला था। न्यग भाविता शत्रु, शत्रुओं को पराजित करने वाला था। अन्यग भाविता शत्रु, असंबद्ध प्रलापेश्व दत्त कर्ण है। एक बड़ी बात जो राजा के लिए कही उसने कि असंबद्ध प्रलापेशु, जो असंबद्ध प्रलाप है, जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, उस पर वह ध्यान नहीं देता था। कदाचित तप्य वितृष्णो गुणेशु, और हमेशा गुणों की खोज में लगा रहता था। कभी भी उसको गुणों से वितृष्णा नहीं होती थी, हमेशा वो खोजता रहता था गुणी लोगों को। अति नदीष्ण कलाशु, कलाओं में वह अत्यंत निपुण था। निर्दिष्टो धर्मार्थ संहितासु, और जो धर्म कथाओं और राजनीति शास्त्र में निर्दिष्ट था। निर्दिष्ट का अर्थ होता है निर्दिष्ट का अच्छी तरह से जानता था वो, निर्दिष्ट वो उससे परिचय था उसका। वो अंग्रेजी में शब्द है कन्वर्सेंट, यानी वो धर्मशास्त्रों के बारे में जानता था और उस पर अधिकार पूर्वक वो अपना अपनी बात कर सकता था, तो निर्दिष्ट था वो। साधु था वो, अंतिक बाढ़ी और नेद साधु, और मतलब वो उस पर जो धर्मशास्त्र और संहिता थे उस पर वो, उसमें वो कुशल था, ये कह सकते हैं। स्वल्पेपि सुकृते सुतराम प्रत्युपकर्ता, अगर किसी ने उसके प्रति स्वल्प भी, थोड़ा सा भी क्या कर दिया हो, सुकृत कर दिया हो, पुण्य कर दिया हो, तो सुतराम प्रत्युपकर्ता, वह उसके प्रति बहुत उपकार करता था, प्रत्युपकार करता था। प्रत्यवेक्षिता कोष वाहन यो, और कोष और वाहन, जो उसके कोष, कोष का अर्थ हुआ कि जो उस राजा का जो खजाना है उसका, और यान का, जो उसके रथ आदि वाहन थे उसका वह देखभाल स्वयं ही करता था। यत्नेन परीक्षिता सर्वाध्यक्षाणाम, जो सभी विभागों के अध्यक्ष थे उनके कार्यों की वह निगरानी करता था। उत्साहयिता कृत कर्माण कर्मणाम अनुरूपेर दान माने, जो उसके दिए गए कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करते थे, कृत कर्मणाम, तो उनको वह यथायोग अनुरूपेर दान माने, दान और सम्मान से उनका उत्साह करता था। सद्य प्रतिकर्ता दैव मानुषिणाम आपदाम, वह सभी प्रकार के की आपत्तियों को, चाहे वो दैव आपत्ति हो चाहे दैवी आपत्ति हो, जैसे वर्षा ज़्यादा हो जाना या बिजली का गिरना, ये सब दैवी आपत्तियां हैं। और मनुष्य जैसे किसी पर हमला कर दे, तो यह मानुषी आपत्तियां हैं। तो दैवी आपत्तियों और मानुषी आपत्तियों दोनों का वह प्रतिकर्ता था, अच्छी तरह से उसको समाप्त कर देता था। षाडगुण्योपयोग निपुणः, और षाडगुण्य उपयोग निपुणः, षाडगुण्य मतलब छह प्रकार के गुण माने गए हैं विदेश नीति के लिए, तो उन छह प्रकार के गुणों को वह उपयोग में लेता था। विदेश नीति में वह छह प्रकार के गुणों को उपयोग में लेता था। मनु मार्गेण प्रणेता चातुर्वर्ण से, वह मनु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चारों वर्णों को बनाए रखता था, नियमित रखता था। पुण्य शोलोक पुण्यवर्मा नाम से, तो वह बड़ा ही जिसका नाम लेने में पुण्य हो ऐसा वह पुण्यवर्मा नाम का व्यक्ति था। पुण्य श्लोक अच्छा शकुन होता था। मनुष्य जीवन की सह पुण्य कर्म भी प्राण्य पुरुषाय सम, अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उसने जो मनुष्य जीवन की पूरी आयु थी वो पूरी की अपने पुण्य कर्मों के द्वारा। लेकिन जो प्रजा का अपुण्य था, प्रजा का पाप था, इस कारण से वह अमरता को प्राप्त हो गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और उसका नाम अमरों में शामिल हो गया। यह उसका तो पुण्य था, उसने पूरी आयु पाई अपने पुण्य कर्मों से, लेकिन उसकी जो मृत्यु हुई वह प्रजा का अपुण्य था। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रजा के दुर्भाग्य से, प्रजा के पाप से उसकी मृत्यु हो गई। यानी उसके जैसा पुण्यशील राजा यदि वहाँ रहता उस प्रजा में, तो प्रजा का बहुत
उत्थान होता, प्रजा की बहुत समृद्धि होती, लेकिन अंततः वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हम भी कहते हैं कि हमारे दुर्भाग्य से ऐसा हो गया, तो प्रजा के अपुण्य से ऐसा हो गया, ऐसा इसमें उन्होंने कवि ने कहा है। तो इस प्रकार से आज हमने इसको इतना पढ़ा है, शेष हम आगे इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।